दुनिया भर में मशहूर स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को कनाडा में हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वहाँ उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। याद रहे कि इसकी वजह इमरान खान की एक वायरल ऑडियो लीक बताई जा रही है, हालांकि सच्चाई इसके बरक्स भी हो सकती है। मौलाना तारिक जमील की फ़िलहाल हालत की बात की जाए तो उन्हीं के एक करीबी ने इस पर बात की है, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। एक थोड़ा परेशानी वाली खबर थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। आपसे शेयर करना था, आपसे अर्ज करना था कि आप सब जैसा कि देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस वक्त वालिद मोहतरम मौलाना तारिक जमील साहब कनाडा में मौजूद हैं। तो आज पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे और रात के कनाडा के वक्त के मुताबिक रात के 3 बजे उनको दिल की तकलीफ़ हुई है, हार्ट का इशू हुआ और थोड़ा चेस्ट में उनके दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ। इसके फौरन बाद उनको वहाँ अस्पताल में मुंतकिल किया गया और सारा उनका प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह आफियत से मुकम्मल हो गया। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल याद है कि मौलाना तारिक जमील को जॉर्डन की रॉयल इस्लामिक स्टडीज सेंटर्स के ज़रिए दुनिया के 500 सबसे बाअसर शख्सियतों में शामिल किया गया है। मौलाना की इस हालत के बाद पाकिस्तान के सारे ही पब्लिक फिगर्स ने रिकवरी और सेहतमंदी की दुआ की है, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर जनरल बाजवा और मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे तमाम ही पब्लिक फिगर्स शामिल हैं। इस बारे में सारी ही अपडेट्स के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।